press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विमल वर्मा और आप देख रहे हैं वीवी गेम पॉइंट चैनल। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ टॉप 10 कृष्ण जन्माष्टमी गेम। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें लाया था टॉप 10 कृष्ण जन्माष्टमी ऐप्स, उसमें मैंने लाया था टॉप 10 श्री कृष्ण भगवान की ऐप्स, जो आपको अगर पसंद आई होगी अगर आपने वीडियो देखी तो। और अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो अपने एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। लेकिन लास्ट में आपने लेकर आया हूँ टॉप 10 श्री कृष्ण जन्माष्टमी गेम्स। तो क्या है इन गेम्स में, क्या है इन गेम्स की बात, ये सब मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं वीवी गेम पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मेरी गेमिंग वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं गेम की बात वीवी वी के साथ। तो पहली गेम है दोस्तों जैपका कंपनी की, रिलायंस गेम कंपनी की गेम है। और इस गेम का नाम दोस्तों है लिटिल कृष्णा। एक सेकेंड ये गेम आ रही है दोस्तों। इनमें से कुछ गेम ऑफलाइन है, कुछ गेम ऑनलाइन है, तो वो आपको देख के खेलना होगा। मैं बता दूंगा वैसे कौन सी गेम ऑफलाइन है, कौन सी गेम ऑनलाइन। तो ये ऑफलाइन गेम है। चलिए हमारी कहानी स्टार्ट हो गई है। ये गोपी का कन्हैया मटकी गिराएंगे और ये देखिए इनका भागना शुरू हो चुका है। तो ये जस्ट लाइक आपकी सब्बे सब जैसी गेम है। इसमें लेकिन आपको काफ़ी अच्छे अच्छे जगहें मिल जाती है और काफ़ी अच्छे अच्छे मथुरा के अनुभव मिल जाते हैं, जिनको आप खेल के महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप हार जाए तो आपको रिव्यू में मोर पंख भी मिल जाता है, ताकि आप उससे लेकर आगे बढ़ सके। और यहाँ पर आपको राक्षस मिल जाते हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। वो सीक्रेट बॉक्स में लेना भूल गया, लेकिन आपको वो भी लेना पड़ेगा। तो बढ़ते अपने अगले गेम की तरफ दोस्तों, जिसका नाम है अगली गेम दोस्तों यूनिटी की गेम है और इसका नाम है कृष्णा बलराम रन, कृष्णा बलराम रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो लोगों को एक साथ चलाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को एक साथ चलाना है, इसलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी नहीं होना। तो यहाँ देखिए इस तरह आपको चलाते रहना है। और ये काफ़ी अच्छी गेम मेरे को लगी। और इसको चाहे तो दो लोग खेल सकते हैं, कृष्ण का रोल कर ले, एक बलराम का रोल कर ले, ऐसे इसको दो लोग भी खेल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार ये गेम भी डाउनलोड करके खेलना चाहिए। तो बढ़ते अपने अगले गेम की तरफ दोस्तों, जिसका नाम है अगले गेम का नाम है दोस्तों कृष्णा वाटर फाइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी लाइन मिल जाती है, यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको पिच खोली खेलिए, लेकिन इसमें अगर वो लोग आपके ऊपर पानी फेंकेंगे तो आप हार सकते हैं। और ये एक रनिंग गेम है, लास्ट में इसमें बॉस भी आता है, तो बॉस को भी आपको मारना है इन्हीं पिचकारियों से। और आप जैसे ऐसे खेलते रहेंगे वैसे ऐसे आप अपनी पिचकारी अपग्रेड कर सकते हैं, नई पिचकारी ले सकते हैं और भी बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं। तो बढ़ते अपने अगले गेम की तरफ दोस्तों, जिसका नाम है अगली गेम मेक इन इंडिया की गेम है और इस गेम का नाम है कृष्णा रन। और ये गेम भी काफ़ी अच्छी गेम है, इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं फेसबुक से कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर आप इस गेम को करेंगे तो स्टोरी लाइन गेम है। अभी तक मैंने ये देखिए ये पूतना को मार दिया है, ट्रेन वन था जो भी है इसको मैंने मार दिया है। मैं पूतना वह दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप समझ सकें कि गेम क्या है। और एक आपको नॉर्मल लेवल करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखिए ऐसे मटके गिराने हैं फिर पूछना पड़ेगी, लेकिन मटके पे आपको नहीं गिरना। एक बार मैं आपको दोबारा इसका गेम प्ले दिखा देता हूँ, जस्ट वन सेकेंड दोस्तों। और ये हमारी गेम प्ले हो चुकी है और इस बार आपको जीत के दिखा देता हूँ। विष से बचना है, तो यहाँ पे मेरा टच खराब है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, वरना इसे पूछना मरेगी मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छी गेम लगी मेरे को और काफ़ी अट्रैक्टिव गेम लगी, और ये 3D टाइप गेम है ये भी मेरे को अच्छी बात लगी इस गेम में। तो आप इस गेम को भी जरूर खेलिएगा और मैं आपको नॉर्मल लेवल खेल के भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल लेवल है, इससे बस आपको मिशन मिलेंगे, इससे 170 जैम लेनी है, 3 पक्षियों को बचाना है और ऐसे को मारना है, जब तक पक्षी तो बचा पाया इस तरह मिलेंगे तो आप मार के सहारे बच के रह सकते हैं। तो ये गेम भी काफ़ी अच्छी, तो आपको ये गेम भी अवश्य खेलनी चाहिए। बट अपने अगले ऐप गेम की तरफ, जिसका नाम है अगली गेम है कृष्णा मैच 3। तो ये एक टाइम पास गेम है, किल्स कर को लेवल 1 ही फर्स्ट जोन में नहीं आया, इसे कहाँ एक टाइम पास गेम है। बस आपको यहाँ पे ऐसे मिक्स करना है और जितना ज़्यादा आप मिलाएंगे उतना आपके पॉइंट बढ़ेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे देखिए मुकुट, अब यहाँ देखिए ऐसा आपके पॉइंट बनेंगे। और यहाँ पे भी ये टाइम के हिसाब से गेम है और ये कुछ कुछ वैसी ही गेम है जैसी डोरेमोन गैजेट क्रश गेम है, जो मैं अपनी वीडियो ला चुका हूँ, अगर आपने वो भी अभी तक नहीं देखी है तो उसकी भी गेम प्ले मैं आपको वीडियो डाल दूँगा अपने आई बटन में, अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने उसमें क्या कहते हो आप लोग एंड स्क्रीन में। तो खैर ये गेम भी काफ़ी अट्रैक्टिव गेम है, तो मेरे हिसाब से आपको ये गेम भी खेलना चाहिए। और इसमें ये याद रखिएगा कि टाइम लिमिट है इसमें, एक तो टाइम लिमिट के हिसाब से आपको चलना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे, तो ये गेम काफ़ी अच्छी, तो एक बार आपको ये गेम भी खेलनी चाहिए। तो बढ़ते अपने अगले गेम की तरफ दोस्तों, जिसका नाम है अगले गेम स्वीट गेम कंपनी की गेम है और इस गेम का नाम है लॉर्ड कृष्णा टेम्पल। लेकिन मैंने इसको हिंदी में कर रखा है, तो इसलिए इस गेम का नाम है भगवान राधा कृष्ण। तो बेसिकली यहाँ पे आप पहले नंबर पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मेकअप रूम में जाना है सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको राधा जी का मेकअप करने को मिल जाता है, तो फिर यहाँ पे राधा जी का मेकअप करता हूँ। आप चाहे तो इसका कलर भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलूँगा। यहाँ पे आप चाहे तो आप इनकी आँख भी बदल सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी मेकअप करके दिखा रहा हूँ, इस तो आया ला जाएगी तो उसको हटा लीजिएगा। यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी मेकअप करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये गेम क्या है। आप चाहे तो किसी भी चीज़ का कलर बदल सकते हैं इसमें, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, यहाँ तक कि आप ज्वेलरी तक का कलर बदल सकते हैं। ये देखिए देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए देखिए काफ़ी बढ़िया गेम लग रही है मेरे को ये। तो ये उन लोगों के लिए जो टेंपल जाके फीलिंग लेना चाहते हैं, मंदिर जाने के, राधा कृष्ण की आरती करना चाहते हैं, उनका श्रृंगार करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गेम है। तो फिर एक बार उन लोगों को ये गेम जरूर खेलनी चाहिए। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी श्रृंगार कर देता हूँ, और आप इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं, इनका कपड़े को अलग कलर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी मेकअप कर देता हूँ।
यहाँ पर अगर आपको कुछ पीछे से करना है तो आप इसको वापस पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को पीछे नहीं करना तो ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और यहाँ पे म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा बन जाता है पीछे की तरफ से, जो काफ़ी आनंदित करता है। तो ये भी एक अच्छी बात लग रही है मेरे को इस गेम में। देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर आपको बांसुरी मिल जाती है। यहाँ पे जब आप मेन जाएंगे तो ये आपका मेन मंदिर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कन्हैया का श्रृंगार चेंज कर लेता हूँ, ये रख लेता हूँ। ज्वेलरी हमने पहना दी थी, कलर हमने पहना दी थी, नहीं पहनाए थे। तो यहाँ पे कई कलर अनलॉक के लिए आप उनको खोल भी सकते हैं जब आपका वो हो जाएगा। तो हमने पहना ही दिया था, माला हमें पहना देनी है, यहाँ पे छड़ी लगा देनी है, मुकुट हमने पहना दिया था, पायल पहनानी है। यहाँ पे पूरा श्रृंगार आपको मिल जाता है राधा कृष्ण का, जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे का वॉलपेपर भी बदल सकते हैं लाइक कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है राधा जी का श्रृंगार। तो राधा जी का श्रृंगार मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, देखिए काफ़ी मैचिंग लग रहा है ये। देखिए काफ़ी मैचिंग लग रहा है और काफ़ी एट्रैक्टिव गेम है। तो मेरे हिसाब से आपको ये गेम एक बार ज़रूर खेलनी चाहिए। तो अगर आपने ये गेम नहीं खेली तो आपको एक बार ज़रूर खेलनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया गेम लगी मेरे को तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप दोबारा सब ठीक कर सकते हैं अगर आपने नहीं चलाया अभी तक। ये देखिए फिर वही वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, यहाँ पे और भी वॉलपेपर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप आरती भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप आरती भी कर सकते हैं। ये देखिए, और चाहे तो आप इसको डाउनलोड कर भी कर सकते हैं इस इमेज को। वो ये काफ़ी अच्छी ऐप है, तो मेरे हिसाब से आपको ये गेम जरूर मंगानी चाहिए। तो बढ़ते अपने अगले गेम की तरफ दोस्तों, जिसका नाम है एंग्री बर्ड की तरह। यहाँ पर आपको मिल जाता है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको मटके खाली तोड़ने नहीं, पूरा गिराना है। यहाँ पे भी आपको एक लिमिट मिल जाएगी। इस तरह आपको मटके गिराने हैं, और अगर आपने मटके नहीं गिरा पाए तो आप हार भी सकते हैं। मैं आपको एक लेवल पार करके दिखा देता हूँ। कुछ कुछ एंग्री बर्ड जैसी गेम है, तो ये गेम खेलने में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से आपको ये गेम भी खेलनी चाहिए। तो बढ़ते अपने अगले गेम की तरफ दोस्तों, जिसका नाम है, अगली गेम है दोस्तों कृष्णा बबल शूटर। तो यहाँ पे आप चाहे तो फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका सीधा ऐसे खेल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हर लेवल में 3 स्टार मिल चुके हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी करना है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पास मटकी है, और उस मटकी से आपको निशाना लगाना है। तो यहाँ पे चलिए मैं निशान लगा देता हूँ, और जितना कम आप मटकियों का यूज़ करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
यहाँ पे आपके भक्त भी ऊपर लटके हुए हैं जो कन्हैया के, तो वो भक्तों को भी बचाना है, ये भी आपको याद रखना होगा। यहाँ चलिए, ये देखिए ऐसे ये भक्त आ गए नीचे, ऐसे आपको बाकी भक्तों को भी बचाना है। तो ये भी काफ़ी एट्रैक्टिव गेम है, तो ये गेम भी आपको एक बार ज़रूर खेलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे यार निशाना गलत लग चुका है, तो ये देखिए आप जिस तरह सही सही गिराएंगे उस तरह ये सही सही गिरेगा, और जितना आप कम गिराएंगे उतना ये फायदेमंद होगा। ये देखिए, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैसे मैं 3 स्टार हो चुके हैं, लेकिन ये देखिए आप काफ़ी एट्रैक्टिव गेम लगती है मेरे को, तो ये वो इन 10 गेम्स में सबसे बढ़िया गेम मेरे को यही लगी अब तक। लेकिन आप एक बार खेलिएगा तो सारी, क्योंकि पता नहीं आपको कौन सी पसंद आ जाए ये आप जानते हैं, इसलिए आप सारे गेम्स खेलिएगा, और अगर आपको जो गेम पसंद आए वो मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी गेम आपको पसंद आई। ये देखिए आपको इस तरह कुछ कुछ पावर्स भी मिल जाती है जिससे आप अपना उपयोग कर सकते हैं यूज़ करके, और जो बचे हुए मटके होंगे वो आपको बाप हट के निकलेंगे, तो उसको भी आप जीत पाएंगे। तो बढ़ते अपने अगले गेम की तरफ दोस्तों, जिसका नाम है, अगली गेम है कृष्णा हिडन ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आप बस एग्जिट कर लीजिए इस बात को, तो यहाँ पे आपकी गेम शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट लेवल पे जाना है, तो यहाँ पे जो जो ऊपर बन रखा है फोटोज जैसे ये सब, तो ये सब आपको ढूंढने से, ये देखिए ये मैंने ढूंढ लिया है, और ये देखिए, तो इस तरह आपको ढूंढना है कि इसमें ये ज़रूरी नहीं कि इसमें सारी चीज़ें असली हो, कुछ कुछ ये नकली भी हो सकती है। ये देखिए ज़रूरी नहीं कि सब असली हो, इसमें कुछ कुछ चीज़ें नकली भी हो सकती है। तो ये गेम भी काफ़ी अच्छी गेम है, तो एक बार आपको ये गेम ज़रूर खेलनी चाहिए, ताकि इससे आपकी मन शक्ति बढ़ेगी कि कौन सा क्या है आप ढूंढ पाएंगे, वो भी बड़े आसानी से। तो ये गेम काफ़ी एट्रैक्टिव लगी मेरे को, इसलिए मैंने ये गेम का चुनाव किया। तो बढ़ते अपने अगले गेम की तरफ दोस्तों, जिसका नाम है, और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि उस गेम में आपको टाइम लिमिट के हिसाब से सब ढूंढना पड़ेगा। क्या बढ़ते इस गेम की तरफ, जिसका नाम है कृष्णा रनर एडवेंचर जर्नी। तो यहाँ पर हम प्ले करेंगे, यहाँ पर आपको 3 मूड मिल जाते हैं, तो आप फर्स्ट मूड पे जाइए, यहाँ पर लेवल सेलेक्ट कर दीजिए, मैं लेवल 5 पे हूँ, तो यहाँ पर लेवल 5 सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए आपकी गेम शुरू हो चुकी है, और ये काफ़ी एट्रैक्टिव गेम लगेगी आपको अगर आप खेलेंगे तो। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पहला लेवल प्ले करके दिखा देता हूँ, ये वैसे मेरा 5वां लेवल है, इसलिए मेरे को यहाँ पे खेलना थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन आप खेलेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। बाकी 1 सेकंड रुक जाइए, तो यहाँ देखिए ये लेवल मुश्किल से आपको कोई आसान सा लेवल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए लेवल 3 करके दिखा देता हूँ, तो ये देखिए ये हमारे कन्हैया आ चुके हैं, और इस तरह ही भागना है। ये देखिए, तो फिर ये काफ़ी अच्छी गेम है, और ये एंडलेस नहीं है, ये रनिंग गेम बनी है, लेकिन ये एंडलेस नहीं है, इसका एंड होता है, मैं आपको एंड तक लेके जाऊंगा इस गेम में। तो ये देखिए इसका एंड हो चुका है और नया लेवल आ चुका है। तो अगर आप इस तरह खेलेंगे तो इस तरह आपको कई सारे लेवल देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस गेम को भी खेल सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छी गेम्स है, तो आपको खेलना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की टॉप 10 लॉर्ड कृष्णा गेम अच्छी लगी होगी। अगर गेम अच्छी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी गेमिंग वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपने इन टॉप 10 ऐप्स में से या फिर टॉप 10 गेम में से आपको कौन सी गेम अच्छी लगी, तो और मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आगे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए।